तो गूगल की तरफ से मेरे पास टोटल 3 अपडेट है। पहला है गूगल प्ले स्टोर, और दूसरा है गूगल एप्लीकेशन, और तीसरा है गूगल क्रोम। इन तीनों में कौन कौन सा फीचर्स है, इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। और चैनल पे नए आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कहीं से भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन वाला। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो आपको यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले डेटा कनेक्शन इनेबल कर लेना, चाहे वह वाईफाई हो या मोबाइल डेटा कनेक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगो पे टैप करना, जो भी आपका जीमेल आईडी का लॉगो है, और आपको सिंपली यहाँ पे मैनेज ऐप्स और माई डिवाइस जो लिखा हुआ है इसे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अब दो न्यू कैटेगरी देखने को मिलता है टॉप में, ओवरव्यू और मैनेज ऐप्स। इस तरह का आपको कैटेगरी देखने को मिलता है। ओवरव्यू में यहाँ पे टोटली आपका डिटेल्स बताएगा कि आपका डिवाइस में कोई हार्मफुल एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल है तो उसे आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अपडेट वगैरह भी यहाँ पे मेंशन करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं। उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन सेंड या रिसीव कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका स्टोरेज जो वो कितना फुल हुआ है, यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से अगर आप क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं तो इन सब एप्लीकेशन को आप वन क्लिक में ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था गूगल प्ले स्टोर से अपडेट। अब बात किया जाए यहाँ पे और जो दो एप्लीकेशन है, उसके लिए आपको सबसे पहले ऑफलाइन कर लेना है अपने डिवाइस को। और यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं गूगल एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे जैसे हम गूगल एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए और सर्च करना है आपको कुछ इस तरह से। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिखा रहा है मोबाइल डेटा इज ऑफ। तो आपको करना क्या, देखिए यहाँ पे जो आइकन है इसे आपको टैप करना है। अब आप यहाँ पे गेम वगैरह खेल सकते हैं, कुछ इस तरह का यह अपडेट आपको इसमें देखने को मिलता है। हालांकि ये थोड़ा सा ओल्ड है, लेकिन बहुत कम ही जन इसके बारे जानते हैं। अब बात किया जाए तीसरे अपडेट की, तो तीसरा अपडेट जो वो आपको गूगल क्रोम में देखने को मिलता है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो अपडेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको थोड़ा सा यूआई में चेंजेस देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गूगल डिनो गेम आता है गूगल क्रोम में, उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाता है। पहले आपको जब भी डिनो रन करता था और बीच में आपको कैक्टस देखने को मिलता था, लेकिन अभी आपको बड़ा वाला क्रोम का लोगो देखने को मिलता है, जिसे आपको जंप करके स्कोर बनाना है। तो इस तरह का आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, बट अभी ये सिर्फ आईफोन और आईपैड में अवेलेबल है। बहुत जल्द आपको गूगल एंड्रॉयड में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कब देखने को मिलेगा अभी तक कुछ भी श्योर नहीं है गूगल के तरफ से। जैसे कोई अपडेट आएगा एंड्रॉयड के लिए वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बात करते हैं कि इन फीचर्स को आप अपने डिवाइस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला जो दो फीचर्स है वो आप अपने एंड्रॉयड में यूज कर सकते हैं, लेकिन तीसरा जो फीचर्स है उसे आप सिर्फ आईपैड और आईफोन में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे आना है, यहाँ पे इस तरह से लॉगो पे टैप करना, और यहाँ पे आपको जो सेटिंग दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना है। सेटिंग में टैप कर लेने के बाद यहाँ पे अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले स्टोर वर्जन। फिलहाल मेरा ये रन कर रहा है 25.5.27-21। यहाँ पे आपको इस तरह से टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे, अगर कोई लेटेस्ट वर्जन आपके डिवाइस के लिए अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। गॉट इट मारिए, बैकग्राउंड में प्रोसेस होते रहेगा। इन केस अगर आपका ये डाउनलोड नहीं होता है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप स्टोर का डाउनलोड लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है गूगल, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले सर्च बार में आपको टाइप कर देना है गूगल, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको अपडेट कर लेना है। और तीसरा जो फीचर है वो है गूगल क्रोम। ये फिलहाल एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल नहीं है, आईपैड और आईफोन के लिए ही है। जैसे एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल हो जाएगा वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और बात रही कि आईओएस में आपको कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसे आप सिर्फ ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं जो आईफोन का ऑफिशियली है, थर्ड पार्टी स्टोर से आप बिल्कुल भी इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कहीं से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।